सूरह मुबारक दह, जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है और सूरह दहर के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। ये सूरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये सूरा इंतहाई अजमतों का मालिक है। इस सूरे की तिलावत की ताकीद की गई है। रवायात में वारिद हुआ है कि जो इंसान सूरह मुबारक इंसान की तिलावत करेगा, जो इंसान सूरह मुबारक दहर की तिलावत करेगा, सूरह हलता को पढ़ेगा, वो रोज कयामत पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। वो पैगंबर का हमनशीन होगा, वो पैगंबर खुदा के साथ होगा। खास करके इस सूरह मुबारका को पीर और जुमेरात के दिन नमाज सुबह में पढ़ने की ताकीद की गई है। हमारे और आपके आठवें इमाम हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा सलावतुल्लाह व सलामहू अलैह, आपका तरीका ये था, आपकी सीरत ये थी कि आप हफ्ते में दो दिन पीर और जुमेरात के दिन नमाजे सुबह में, नमाजे सुबह की पहली रकात में सूरह अलहम्द के बाद इस सूरह मुबारका की तिलावत किया करते थे। आपका तरीका यह था कि आप पीर और जुमेरात के दिन नमाजे सुबह की पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह मुबारक दहर की तिलावत किया करते थे और फरमाते थे कि जो शख्स इस सूरह की इन दो दिनों में नमाज में तिलावत करेगा वो उस दिन के शर से महफूज रहेगा, वो उस दिन की बलाओं से महफूज रहेगा। अजीजों, आज दुनिया में हर तरफ बीमारियां नजर आ रही हैं, आज दुनिया में हर तरफ इस्तराब नजर आ रहा है। इस इस्तराब का मुकाबला कैसे किया जाए, इस अफसुर्दगी का मुकाबला कैसे किया जाए? इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रवायात में ये फिक्रा वारिद हुआ है कि इस्तराब से बचने के लिए, अफसुर्दगी से बचने के लिए इंसान सूरह मुबारक दहर की तिलावत करे। अजीजों, ये तो खास सिफारिश की गई है, खास नसीहत की गई है सूरह मुबारक इंसान की तिलावत के लिए। यूं तो हर मुसलमान का ये वजीफा है, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो कुरान मजीद को अपने मुतालिया में रखे, वो कुरान मजीद की तिलावत करे, वो कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अजीजों, हमारी और आपकी जिंदगी का बहुत अहम मसला है, हम मसाइल का हल, हम मुश्किलात का हल ऐसी जगहों पर तलाश करते हैं जहां मुश्किलात का हल नहीं है। हम अपने इस्तराब और परेशानियों को ऐसे लोगों से हल करना जानते हैं, हल करना चाहते हैं जो खुद
مضطرب نظر آتے ہیں، جو خود پریشان نظر آتے ہیں، عزیزو اس اضطراب کا علاج، اس کامیابی کا علاج، اس اضطراب سے نجات حاصل کرنے کا علاج قرآن مجید ہے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے اضطراب کو دور کریں، اپنی بیماریوں کو دور کریں، اپنی روحی اور نفسانی بیماریوں کا علاج کریں، اور انسان دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی اس قرآن کے ذریعے سے حاصل کرے۔